पर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप अपने इस चैनल कोड IndianV40 यूज़ करते हो तो आपको सीधा 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक, कैसे हो आप सब। देखो, एक वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जो कि ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आपने अभी तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करना या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। बाकी एक न्यू टॉपिक है, इसी से रिलेटेड टॉपिक है, वो क्या है, वो है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम हमने पढ़ लिया था, और आप में से किसी का भी मैंने ऐसा कमेंट नहीं देखा कि सर बता दो विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम कौन कौन से होते हैं, या उससे भी क्वेश्चन आते हैं क्या। तो ये पढ़ेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और है, वो देखो प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, ये भी हम कवर करेंगे। तो टोटल आज के इस वीडियो में दो टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है, लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, किसी भी तरीके से आप चैनल पर आ चुके हो, तो नीचे देखो रेड बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो यार, उसको क्लिक कर दो कैसे भी करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और यार एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, चार सब्जेक्ट होते हैं आपके नेवी SSR में, आपको पता होगा, इंग्लिश, साइंस, मैथ और GK। सिर्फ GK ही ऐसा है जिसमें आप 25 या फिर 24 या फिर 23 स्कोर कर सकते हो। बाकी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसमें आप 23, 24, 25 तक पहुंच सकते हो। इसलिए हर एक वो क्वेश्चन, हर एक वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे आप 24, 25 या 23 स्कोर कर पाओ। बाकी डिपेंड आप पे करता है आप कैसे पढ़ते हो, आप किस तरीके से तैयार करते हो। पहला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है। तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का बगीचा। बेंगलुरु कहाँ पे है, भारत में है। ठीक है, तो बेंगलुरु को आपका भारत का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मोतियों का द्वीप। मोतियों का द्वीप बहरीन शहर को कहा जाता है। बहरीन नामक एक शहर है जिसे मोतियों का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो श्वेत शहर। श्वेत शहर किसे कहा जाता है, बेलग्रेड को श्वेत शहर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्मारकों की नगरी। स्मारकों की नगरी वियना को कहा जाता है। वियना एक शहर है जो कि ऑस्ट्रिया में है, और वियना को स्मारकों की नगरी भी कहा जाता है या जाना जाता है। हिंद महासागर का मोती, हिंद महासागर का मोती के नाम से किसको जानते हैं, तो श्रीलंका को जानते हैं हिंद महासागर का मोती के नाम से। ठीक है, श्रीलंका आपका हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है चीन का शोक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि चीन का शोक किसे कहा जाता है, चार नदियों के नाम थे। तो वांगो नदी है जिसे पीली नदी भी कहते हैं, तो इसे चीन का शोक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो लैंड ऑफ 1000 लेक्स, हजार झीलों का भूमि किसे कहते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, तो फिनलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ 1000 लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लैंड ऑफ मिड नाइट सन। मिड नाइट सन, लैंड ऑफ मिड नाइट सन बोलते हैं नॉर्वे को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हॉली लैंड किसको बोलते हैं, तो जो आपका हॉली लैंड है वो जेरूसलम को बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इनको नोट कर लेना आप यार, किसी भी तरीके से आप कॉपी पे नोट करके इनको रट लेना। और ये मत सोचा करो कि यार एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर लेंगे, जो आप पढ़ रहे हो ना वो आपको अभी तैयार करना पड़ेगा। अगर देखो मैं सच बोल रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं बाकी रिवाइज हम बाद में कर लेंगे, गाइज कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं याद होता, कुछ नहीं रिवाइज होता, आपको पता होगा बहुत बार कर चुके हो आप चीज़। तो आपको जो करना है अभी करना। आप अगर कोई टॉपिक अभी पढ़ रहे हो, कोई 25 क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हो, तो आपको अभी के अभी वो 25 तैयार होने चाहिए, बाकी काम बाद में होगा। तो उतने अभी तैयार कर लेना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इनको तैयार कर लेना। नील नदी की देन, चार ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन मिस्र होगा, तो मिस्र जो है उसे वो नील नदी की देन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वीन ऑफ एड्रियोटिक। एड्रियोटिक, क्वीन ऑफ एड्रियोटिक वेनिस को कहा जाता है। ठीक है, वेनिस शहर को क्वीन ऑफ एड्रियोटिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सूर्योदय का देश। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, और एग्जाम में एक नहीं दो तीन बार ये क्वेश्चन आया है कि सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन जापान होता है, और जापान इसका सही जवाब है। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसे बोलते हैं, तो भूटान है, भूटान को बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। इसके बाद है हाथियों का देश, तो हाथियों का देश किसे बोला जाता है, लाओस को। लाओस नामक एक शहर है, तो लाओस शहर को हाथियों का देश कहा जाता है, या फिर इसका उपनाम है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए। लिली का देश किसे कहा जाता है, तो कैनेडा को कहा जाता है लिली का देश। ठीक है, या फिर कनाडा का उपनाम क्या है, ऑप्शन होंगे उनमें से कुछ ऑप्शन होंगे जिसमें से लिली का देश भी होगा, तो आप समझ जाना लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। संसार की छत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संसार की छत किसका उपनाम है, या फिर संसार की छत किसे कहा जाता है, तो जो आपका पामीर का पठार है उसे संसार की छत भी
कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सिटी ऑफ गोल्डन गेट। देखो गोल्डन गेट का शहर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को को, सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो अंध महाद्वीप, देखो अफ्रीका जो है अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। इसके बाद है स्वर्णिम पैगोड़ा देश, ठीक है, स्वर्णिम पैगोड़ा देश ये आपको म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है, म्यांमार को स्वर्णिम पैगोड़ा देश भी कहा जाता है। इसके बाद देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, सात टापुओं का नगर किसको बोलते हैं, तो जो आपका मुंबई है, ठीक है, मुंबई को सात टापुओं का नगर कहा जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट है झीलों का देश किसे कहते हैं, तो झीलों का देश स्कॉटलैंड को झीलों का देश कहते हैं, ठीक है, स्कॉटलैंड को क्या कहते हैं, झीलों का देश। नेक्स्ट है पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो ओसाका को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। पिछली वीडियो में जब मैंने वो एक वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको दो क्वेश्चन बताए थे, पहला क्वेश्चन था भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन था उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, और आज की इस वीडियो में हमने तीसरा क्वेश्चन पढ़ा मैनचेस्टर से कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर का अगर सिर्फ इतना आता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो आप अहमदाबाद सही करेंगे, अगर आता उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं देन आप कानपुर सही करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ आता है आपका कि पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो ओसाका, ओसाका को कहा जाता है पूर्व का मैनचेस्टर। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है, तो रोम शहर को, ठीक है, रोम जो कि आपका इटली में है, तो रोम शहर को सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, सुगर बाउल, सुगर बाउल समझते हैं ना, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलो यहीं से हमारे ख़त्म होते हैं विश्व के जो प्रमुख उपनाम थे, अब स्टार्ट होता है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके उपनाम हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं, बट यही इंपॉर्टेंट है। पहला राष्ट्रपिता किसे कहते हैं, आप में से लगभग सभी को पता होगा, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो सभी को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है पंजाब केसरी, सभी को पता होगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, या फिर पंजाब केसरी कहते हैं, या फिर लाला लाजपत राय का उपनाम पंजाब केसरी भी है, ठीक है। चलो और देखो, लोकनायक है तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहते हैं, लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश नारायण को। इसके बाद है गुरुदेव, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, ठीक है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जो उपनाम है वो आपका गुरुदेव है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखना। इसके बाद देश रत्न किसका उपनाम है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो उपनाम है वो देश रत्न है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भारत कोकिला किसे कहते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू का उपनाम है भारत कोकिला, या फिर सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है महामना, महामना बोला जाता है आपका मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को महामना बोला जाता है। आपने कभी 12th में होगा या फिर 10th में आपने कोई बुक पढ़ी होगी हिंदी की, उसमें अगर मदन मोहन मालवीय की बात हो रही हिंदी में हो या फिर आपका सोशल साइंस में हो तो उसमें लिखा रहता था महामना मदन मोहन मालवीय। ये मैंने जब मुझे जस्ट अभी याद आया क्योंकि मैंने कभी ना कभी किसी न किसी बुक में नाम पढ़ा है और तब लिखा रहता था महामना मदन मोहन मालवीय, तो ये पूरा एक साथ भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप समझ जाना मदन मोहन मालवीय का उपनाम महामना भी है। इसके बाद सीमांत गांधी किसका नाम है, तो देखो खान अब्दुल गफ्फार खां का सीमांत गांधी उपनाम है, या फिर इनको इस नाम से भी जाना जाता है। तो बस इतने ही थे प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते, बाकी बहुत सारा देखो उपनाम आपका टॉपिक है, आप देख जाके ऑफिशियल सिलेबस पे देखिएगा उसमें उपनाम टॉपिक है। तो यार इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए विश्व के, भारत के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, अब इससे बाहर से यार कहाँ से आएगा, अब जो आएगा इसी के अंदर से आएगा, एक क्वेश्चन आ भी सकता है, या देखो ज़रूरी नहीं क्या है लेकिन एक क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो इनमें से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा।
तो विश्व के जितने भी प्रमुख भौगोलिक नाम उपनाम है वो हमने पढ़ लिए, कि प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम हमने पढ़ लिए। भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम आपने नहीं पढ़े होंगे तो ऊपर आई बटन पे मैंने आपसे बोला मैं वीडियो डाल दूंगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखना वहाँ भी मैं डाल दूंगा, और टेलीग्राम पे भी मैं सेंड कर दूंगा। नीचे देखो टेलीग्राम की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन पे, जाओ उस पर क्लिक करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी मैं भेज दूंगा। तो आप देख लेना, इनके नोट्स बना लो, इनको याद कर लो, पीडीएफ आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। अभी काम चालू, जहाँ भी मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दिया करो। टेक केयर, बाय बाय।